नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि साल का पहला दिन अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, नए साल 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम किसान निधि के तहत 10वीं किस्त आज जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तीन जनवरी से शुरू होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। अभी टीका 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा। आज से करीब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। बच्चों के लिए फिलहाल वैक्सीन का सिर्फ एक विकल्प होगा, जो वैक्सीन होगा। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, ये भी आप जान लीजिए। कोवैक्सीन एक ही विकल्प है बच्चों के लिए। सबसे पहले government.in वेबसाइट पर जाएं। अगर आप कोविन पर रजिस्टर नहीं हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आपको बच्चे का नाम, उम्र जैसी कुछ जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन मैसेज आएगा। फिर आप अपने इलाके का पिन कोड डालें, आपके सामने वैक्सीन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपने बच्चों को कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन सरकारी सेंटर पर होगा, साथ ही निजी अस्पताल में भी आप बच्चे को वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी, जबकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत चुकानी होगी। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना में करीब 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम भी जारी है और मां वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में हालात सामान्य होने पर यात्रा बहाल कर दी गई। बताया जा रहा है कि कटरा स्थित भवन क्षेत्र में घटना रात करीब 2:45 की है। गेट नंबर 3 के पास यह हादसा हुआ था। नए साल के मौके पर शाम से ही मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे। कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत भवन क्षेत्र में ऐसी भगदड़ कैसे मची, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक भवन क्षेत्र में दर्शन के लिए पहुंचे कुछ लोगों में आपस में बहस हो गई थी, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और भगदड़ मच गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद और तमाम नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने की बात कही है। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,796 केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 2.44% हो गया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में 1,313 केस सामने आए थे। ये मई 2021 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस थे। दिल्ली में गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को 283 ज्यादा केस सामने आए हैं। यहाँ अब एक्टिव केस बढ़कर 4,410 हो गए हैं। हालांकि शुक्रवार को 400 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। अब तक राजधानी में 14 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में दिसंबर के पहले हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 0.1% था, ये बढ़कर 2.44% हो गया है। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि गुरुवार को 5,600 से ज्यादा मामले सामने मिले थे।
शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना से 8 लोगों की जान भी चली गई थी। भारत में गुरुवार को 16,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। हालांकि इस दौरान 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए, जो कि राहत की बात है। देश में अब तक 3,42,66,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में एक्टिव केस भी बढ़कर 91,000 से ज्यादा हो गए हैं। भारत में 31 दिसंबर की सुबह तक ओमिक्रॉन के 1,270 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 374 लोग ठीक हुए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 320, केरल में 109, गुजरात में 97, राजस्थान में 79, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 86, कर्नाटक में 34, आंध्र प्रदेश में 16, हरियाणा में 14, ओडिशा में 14, पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, अंडमान में 2, उत्तर प्रदेश में 2, गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब और मणिपुर में 1-1 मामले सामने आ चुके हैं। हल्द्वानी के गोलापार से सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति दिशा नैनीताल के तत्वाधान में बैठक की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की। तो बैठक में नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि दिशा के अंतर्गत सभी विभागों के प्रगति रिपोर्ट, बजट और समस्याओं की समीक्षावार अध्ययन किया गया। तो वहीं बैठक को लेकर लोकसभा सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सभी विभाग अच्छे कार्य कर रहे हैं और कुछ ऐसी जगहों पर छोटी खामियां सामने आई हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। ২০২১ में बैठक होनी आवश्यक थी हमारी। बीच में कोविड की वजह से, कई अन्य कारणों से, कहीं पर नैनीताल जिले में हमारा फ्लैट आ गया। मेरे लोकसभा में बहुत बड़ी आपदा आई थी, आपको पता है, ऊधम सिंह नगर और यहाँ। तो इस नाते से भी अधिकारी सब उस पर लगे रहे जी। आज अभी यहाँ पर नैनीताल की और 2 बजे बाद शाम तक ऊधम सिंह नगर की, दोनों जगहों की दिशा की बैठकें ले रहे हैं। तो ये निगरानी करता है सभी चीज़ों पर, तो हर चीज़ पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, PWD कैसा काम, जल निगम, सिंचाई विभाग। नए साल की शुरुआत उत्तराखंड कांग्रेस सामूहिक उपवास के साथ करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित उत्पीड़न तथा पेंशनधारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के विरोध में कांग्रेस गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। वहीं राज्यवासियों की खुशहाली के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस दौरान गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर आजीविका योजना बंद करने, 400 कर्मचारियों को 2 माह से वेतन न मिलने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग, PRE जवानों की लंबित मांगों, उत्तराखंड सचिवालय संघ के कर्मचारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों, राजस्व निरीक्षण उप निरीक्षक और सेवक संघ की मांगों के साथ ही बेरोजगार हुए फार्मिस्टों, रोडवेज कर्मचारियों, जल निगम कर्मचारियों, BPH MPH बेरोजगारों की समस्याओं पर भाजपा सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर इन कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का काम कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बारे में कुछ कहूं उससे पहले मुझे आप सबको यह अवगत कराना है कि कल उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हमारे दलित परिवारों का उत्पीड़न हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कुशासन हो, भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों का जिक्र आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया, इन मुद्दों को लेकर हम हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने उपवास के रूप में इन बातों का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को, जनता के हित में अपनी मांगों को सरकार के मकसद से कल बैठेंगे।
खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम दिनेशपुर में 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के फाइनल में हरियाणा के बालक तथा बालिका वर्ग ने खिताब जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। राष्ट्रीय अंडर 16 कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन खेल का शुभारंभ बालक तथा बालिका वर्ग की प्री क्वार्टर मैच के साथ हुआ। उसके बाद क्वार्टर फाइनल ब्लॉक वर्ग में राजस्थान की टीम ने महाराष्ट्र को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच बालक वर्ग में हरियाणा और राजस्थान के मध्य रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने 32 अंक से चैंपियनशिप के ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल पांडे ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि खिलाड़ी मायूस ना हो, जो हारे हैं वो भी ऊपर आ जाएं, कोशिश करें कि आने वाले सालों में अपने जौहर के माध्यम से अव्वल होकर क्षेत्रवाद देश का नाम रोशन करें। उत्तराखंड की ओर से एक हमारे लिए पूरे दिनेशपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके माध्यम से आदरणीय अरविंद पांडे जी के माध्यम से इस दिनेशपुर को एक इतिहास लिखने का मौका मिला और इस शहर के साक्षी आप लोग बने। बड़ा गर्व की बात है कि पूरे नेशनल गेम जो पूरे भारतवर्ष का खिलाड़ी अंडर 16 के यहाँ दिनेशपुर पहुँचे और उनका मेजबानी करने का सौभाग्य दिनेशपुर को मिला। और यहाँ पे जो खेल के दर्शक हर गांव से यहाँ पे आ रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं और मैं पूरे इस टूर्नामेंट का श्रेय हमारे देश के यशस्वी हमारे प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री खेल मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी को देना चाहूँगा। चैंपियनशिप है और 26 प्रदेशों से बालक बालिकाओं की टीम आई थी, 26 प्रदेशों की टीम आई है जो मेरी जानकारी में है। और मैं सबको इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कई टीमें यहां जीती हैं, उनको बधाई। जो किसी कारण नहीं जीत पाई उनको ये सोचना चाहिए कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, ये अंतिम मैच नहीं है। जीवन में बहुत से मैच आएंगे, जिसको आज अपनी जो कमियां हुई हैं जिसकी वजह से हम हारे उनको याद करके आगे सीख लेते हुए अगले चैंपियनशिप में वो जीते मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई दूंगा। लग रहा है और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। और आपको यहां पे जो व्यवस्था लगी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, खाने पीना बहुत अच्छा था। तो अगली बार अगर आना पड़ेगा तो क्या करोगे? आएंगे, जीत के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। ये मेरे कोच का आशीर्वाद है सारा, जो कुछ हमें कैंप में भी अच्छा कॉम्बिनेशन बना और यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया हमारे कोच ने, कोच साहब ने। जो आपके साथ आ रहे हैं संदेश देना चाहेंगे कि और अच्छा खेलें वो भी। हाथरस में ट्रेन से एक कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि एक कार कैलाश नगर की ओर से आई थी, 4 युवक इसमें सवार थे। लोगों ने रोका फिर भी कार लेकर बंद फाटक में ये चारों घुस गए। एक घायल को अत्यधिक चिंताजनक हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया। लोगों के अनुसार एक युवक बच गया है, वो दुर्घटना होते ही पंजाबी मार्केट की ओर भाग गया। भागने वाला युवक कार को पीछे कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी चपेट में आ गया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती तो वो 3 जनवरी को शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। गुप्ता ने एक बयान में कहा है कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नई जनविरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी 3 जनवरी को पूरे शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। राजधानी दिल्ली में जब से नई आबकारी नीति लागू हुई है बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। बीजेपी के मुताबिक इससे दिल्ली में शराब की कई दुकानें खुलेंगी और शराब के ठेके बढ़ जाएंगे। इस नीति में पैसे तय करने से लेकर ब्रांड तय करने के अधिकार भी प्राइवेट ठेकेदारों के पास होंगे। वहीं समय बढ़ाने को लेकर भी बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार को इस शराब नीति को वापस लेना ही पड़ेगा। दिल्ली के लोग सड़कों पर आ गए हैं और इस नीति का विरोध कर रहे हैं। गली गली में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। पहले 250 प्राइवेट ठेके थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। और अगर बैंक्वेट हॉल, बार, एयरपोर्ट या बाकी जगह जहां शराब के ठेके खुल जाएंगे तो ये संख्या बढ़कर लगभग 3000 हो सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस आबकारी नीति को वापस लेना ही होगा।
नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। अब उत्तर प्रदेश भी इसकी चपेट में आ गया है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शीतलहर की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगी। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर शहरों के तापमान में कमी आई है। कुछ शहरों में सुबह में घना कोहरा देखने को मिल रहा है तो कुछ शहरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो नए साल पर शीतलहर की आशंका लगातार बनी हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि नए साल पर भी ठंड का कहर जारी रहेगा। इस दौरान कोहरा, आसमान में बादल के साथ साथ तापमान में कमी और शीतलहर चलेगी। ठंडी हवाएं की वजह से लगातार शीतलहर की जो कहर है वो जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम से संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि यूपी में कुछ बड़े शहरों में मौसम का मिजाज कैसा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान यहाँ पर कोहरा भी छाया रहेगा। वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शीतलहर यहाँ भी चल रही है जिसके साथ कोहरा छाए रहने का अनुमान भी लगाया गया है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 85 रिकॉर्ड किया गया है। कानपुर में भी अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी कोहरे की संभावना लगातार जताई जा रही है। तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी कर दिए हैं। साल 2022 के पहले दिन भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर महीने से तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दरअसल 3 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की गई थी। उसके बाद देश के कई राज्यों ने पेट्रोल पर वैट कम कर दिया था। तभी से ईंधन की कीमत में खासा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर बेचा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आज दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप आज दिल्ली में अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने जा रहे हैं तो आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 95.41 रुपये चुकाने होंगे, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 86.67 रुपये देने होंगे। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बेहद ही चौंका देने वाली लापरवाही सामने आई। यहां कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में जीवित महिला का ही नाम डाल दिया गया और शासन द्वारा दिए जा रहे 50,000 के मुआवजे वाली पोर्टल पर महिला का नाम चढ़ा दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब जिले के कोरोना कंट्रोल रूम से मुआवजा देने हेतु कागजी कार्रवाई के लिए फोन किया गया तो उधर से महिला और उसके परिजनों ने स्वयं बताया कि वो जीवित हैं तो मुआवजा क्यों लें। यहां एक और कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजन मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग जीवित लोगों से मृतकों की लिस्ट बनाकर बैठा हुआ है। इस बात से बिल्कुल स्पष्टीकरण हो चुका है कि यहां मुआवजे के नाम पर भी घोटाले की बू आ रही है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में 108 लोगों के नाम अंकित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या कुछ और ही रही है। ये तो इसीलिए आ रही हैं कि मतलब कैसी तबीयत खराब रही थी, क्या हुआ था, तो पॉजिटिव तो आया ही था वो। अब उसके बाद हम एडमिट हो गए उसमें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, अब उसमें एडमिट हो गए तो उसमें 8 दिन रहे थे, 10 दिन के बाद छुट्टी हुई थी वहाँ से। अब उसके बाद फिर घर पे भी दवा गोली चलती रही। अब उसके बाद ये फोन भी आ रहे हैं कहीं से। किस तरह के कॉल आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि तुम इसमें डेथ दिखाई गई तुम्हारी। हाँ, अब ये है कि मुआवजा मिलेगा, इसलिए फोन आ रहा है। बेटी से बात होती है और मुझे नहीं मालूम। सर, मेरे पिताजी कोविड में ख़त्म हुए थे और दीनदयाल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव हैं और 1 सितंबर 2020 को उनकी डेथ हो गई दीनदयाल हॉस्पिटल में। वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि आप लोग निमाई शमशान घाट पहुँच जाएंगे, शमशान घाट, तो वहाँ उनका सरकारी तंत्र के द्वारा उनका वो संस्कार, दाह संस्कार हुआ। और उसके बाद जब हमको ये पता लगा सरकारी मदद से कि 108 लोगों की लिस्ट निकली अखबार के माध्यम से कि उसमें 108 लोगों के नाम है, उसमें हमारे पिताजी का नाम नहीं है और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए आप मुआवजा दे रहे हैं। ये कई डिपार्टमेंट से पिछले 3-4 महीने से कॉल आ रही हैं और बोलते हैं आप शुरुआत में कि आपकी माताजी की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है, जिनका हमारे पास दस्तावेज है। उनसे पूछते हैं कहाँ से आपको दस्तावेज प्राप्त हुआ, तो वो बताते हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से या जिस किसी भी अस्पताल से हमें आप भर्ती रहे थे उस समय की बात है ये। जबकि हमारी माता जी को मई के फर्स्ट वीक में कोरोना हुआ था और उसके बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, 8 दिन वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ये ठीक हो गई, उसके बाद अपने घर आके आइसोलेट हो गई। बस तो दवाई वगैरह चलती रही,
नेगेटिव होने के बाद घर आ गई थी। और फिर ये पिछले चार महीने से ये मुआवजा देने के लिए फ़ोन करते हैं कि आप इस तरह से कि डेथ हो गई थी। मैंने कहा उनको कई बार मना भी कर दिया कि भाई नहीं हुई, लेकिन उनके कॉल लगातार आते रहे। ये शकुंतला देवी नाम की महिला है जो जनपद अलीगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती रही थी, और इसका नाम किसी कारण से मृतक की लिस्ट में चला गया था। ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हम इसकी जांच करा रहे हैं, महिला से भी बातचीत हो गई है, वो जीवित है और निश्चित इसका कोई क्लेम नहीं किया गया। बांदा में देर रात शराबी युवकों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को लाठी डंडों लोहे की रॉड से मारकर अतबरा कर दिया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर लात घूसी और डंडों की बारिश हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में जुट गई है। इनके साथ झेड़ करना हुई, हम लोग पहन करने से आए अपनी और हम कोड़िया लेने गुटखा लेने चले गए। इतने में हमारे लड़कियों को पहले में हाथापाई करी, फिर हमारी औरत पूछने आई का हुआ तो हमारी औरत को मारने लगे। जब तक हम पहुंचे वहाँ के दफ्तर कर दिया। दिनांक 30/12/2021 को थाना कोतवाली नगर स्थित कांसीराम कॉलोनी में दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना कूड़ा फेंकने को लेकर हुई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि श्रीमती आमना बेगम जो ऊपर रहती हैं, उन्होंने नीचे रहने वाले फिरोज खां के घर के सामने कूड़ा फेंक दिया था, जिसको लेकर के उनके लड़के आरिफ अशरफ और फिरोज खां के बीच में मारपीट हुई है। घटना में महिला आमना बेगम को भी चोटें आया जाना बताया जाता है, जिनका डॉक्टरी मुआयना आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। महोबा जिले के चरखी तहसील के कान्हा गौशाला में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ महोबा के पदाधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जहां गौवंश गंभीर हालत में पाए गए। आपको बता दें कि जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौरक्षा को लेकर कड़े कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चरखारी की कान्हा गौशाला में गांवों के लिए ना ही भूसे की व्यवस्था है और ना ही बीमार गौवंशों के लिए उपचार की कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ पे गौवंश की इतनी गंभीर हालत है, ना तो खाने के लिए कुछ भूसा की व्यवस्था है, ना ही गुड़, सर्दियों में गुड़ लगता है, खरी लगती है, राई लगती है, तिली लगती है, और कीचड़ इतना यहाँ पे है कि गौ पैर दब रहे हैं उसमें, और निकल रहा है गौवंश के। अब मैं अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि इन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो गौ रक्षा प्रकोष्ठ पूरा महोबा जिला इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा।